सो so, दिवाली एक बहुत ही खुशी का त्यौहार है इसमें सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और सब मस्ती करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग देखते हैं स्पेशली आई सर्जन कि इसमें एक जो भी चीज़ें हम करते हैं इसमें पोटेंशियल ब्लाइंड भी लोग हो जाते हैं और वो बड़ी दुख की बात है क्योंकि एक बहुत सिंपल तरीके से वो अपनी आँखों को बचा सकते हैं बट uh, वो नहीं uh, वो प्रिकॉशन लेते और इससे वी हैव एक्चुअली सीन पीपल जो ब्लाइंड भी हो जाते हैं तो आप ये देखिए जो लाइट्स का त्यौहार है वो आपकी आंखों की लाइट ले ले ये एक बहुत ही बहुत ही टेंशन वाली बात है या बहुत ही बुरी बात है अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इट कैन बी फ्रॉम वेरी माइनर बिकॉज ऑफ द स्मोक एंड द पोल्यूशन टू वेरी वेरी ग्रेव व्हेन हम पटाखे आँख के अंदर फट जाएँ और आँखों को भी वो एकदम नष्ट कर सकते हैं तो ये पूरी रेंज होती है और अगर हम देखें कि जनरली क्या होता है क्योंकि आजकल पोल्यूशन वैसे ही बहुत है दिवाली के टाइम पे और बहुत बढ़ जाती है तो लोगों को ना बहुत लाली आँख में बहुत डिस्कम्फर्ट वाटरिंग और बहुत खुजली होना आपकी बिकॉज़ टीयर फिल्म भी ख़राब हो जाती है आपको देखने में भी प्रॉब्लम आती है तो ये तो माइनर इशूज़ हो गए और अगर मेजर इशूज़ की बात करें तो ओबियसली अगर चिंगारियाँ चले जाएं या आंखों के सामने पटाखे फट जाएं तो उसमें तो बहुत ही ग्रेव इंजरीज़ हो जाती है देखिए वैसे आजकल मॉडर्न ज़माने में हम बहुत डिस्करेज करते हैं कि लोग पटाखे ही ना चलाएं वो लाइटों से और मिठाइयों से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें बट लोग मानते नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली और धुआं बहुत बढ़ जाता है तो अगर धुआं बहुत बढ़ जाता है तो हमको दो तीन सरल चीज़ें करनी पड़ती हैं एक तो आंखों को बार बार साफ़ पीने वाले पानी से धोएं साथ में एक लुब्रिकेंट जो आई ड्रॉप्स हैं वो डालें और अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए तो हमको एंटी एलर्जिक मेडिकेशन है वो भी डालनी पड़ती है पर वो हम ये नहीं बोलते कि आप खुद डालें अगर आप लुब्रिकेंट से और आँखों आँख को साफ करने से पानी से अगर आप ठीक नहीं हो रहे तो आँखों के विशेषज्ञों को दिखाइए तो वो और ड्रॉप्स देंगे और आपकी जो एलर्जीज हैं स्मोक के कारण उसको ठीक करेंगे बिल्कुल हो सकता है हमारे हमारे अगर हम सिर्फ लाइट की बात करें हम हम अभी और किसी की बात नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ लाइट से भी ब्लाइंडनेस हो सकती है हमारे रेटना में रेटना uh, बर्न्स हो सकते हैं और ये परमानेंट होते हैं तो इसमें लाइट uh, आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए कम हो जाती है तो लाइट से ये हो सकता है फिर लाइट से आपके कोनिया में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कोनिया आँख की आ, आ, पुतली होती है काली पुतली उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट दे सकती है तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आँखों को मलेंगे नहीं क्योंकि जब ऑब्वियसली बर्न होता है या कुछ होता है तो आँख में बहुत दर्द होती है हम चाहेंगे कि आप अपनी आँख को साफ पानी से पीने वाले पानी से बहुत बारी धोएं जिससे कि अगर कोई भी केमिकल गया हो जो पटाखों में होता है वो हम वॉश ऑफ हो जाए आप आँखों को मलेंगे नहीं इसे वॉश करेंगे फिर और साथ में घर में और तो कुछ होता नहीं है बट साफ़ रुमाल को अपनी आँख पे रख के आप तुरंत आँखों के विशेषज्ञ के पास जाएंगे यही है कि आप आँखों को साफ पानी से हम मैं हमेशा बोलता हूँ पीने वाले पानी से पीने वाला पानी नॉर्मली साफ ही होता है आर का या बॉटल वाटर नॉट टैप वाटर उसे आप आँख को बार बार धोइए पाँच दस मिनट तक धोते रहिए आँख खोल के सो so, पहले तो मैं यही बोलूँगा कि लेंस पहनने नहीं चाहिए बिकॉज प्रीवेंशन इज़ बेटर देन क्योर और अगर आँख में कॉन्टेक्टेंसेज होते हैं तो ये सो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो एक्साजरेट हो जाती हैं तो लोग चश्मे पहने चश्मे से एक और चीज़ होती है कि आपकी आँखें वैसे भी प्रोटेक्टेड रह जाती हैं अगर कोई पटाखों से या कुछ और है तो थोड़ी प्रोटेक्शन हो जाती है तो सब लोग अपनी आँखों में चश्मे पहने और लेंस ना ही पहने तो यही मैं सलाह दूंगा